हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही होगी। काम को पेंडिंग नहीं करना है, डाउट्स को क्लियर करके चलना है। क्वेश्चन को रेज करने की आदत डालिए। जब तक कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, नमेरिकल क्लियर ना हो जाए, आगे मत बढ़िए, उनको बार बार पूछिए। आप देखना, आपके लिए ये सब्जेक्ट बड़ा ही ईजी, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 12 फिजिक्स, एंड टॉपिक्स ऑफ टुडे आर मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स एंड एनर्जी कंसिडरेशन, क्वांटिटेटिव स्टडी। तो लेट अस स्टार्ट। मोशनल ईएमएफ, नाम से ही पता चल रहा है, मोशन की वजह से ईएमएफ। स्टूडेंट्स इमेजिन करके देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कंडक्टर है, हम उसे किसी वेलोसिटी से मूव कराएं किसी रीजन में, और उस मूवमेंट की वजह से, उस रीजन की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होने की वजह से, मान लीजिए उसका एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो फिर तो ये सेल की तरह से हो गया। अगर हम इसे किसी क्लोज सर्किट में लेंगे तो हमें करंट मिलेगा उस क्लोज सर्किट में, और स्टूडेंट अगर ऐसा हो गया तो हम इस करंट से बहुत सारे काम करा सकते हैं। तो इमेजिन करके देखिए, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो जिस तरह से आप यहां इमेजिन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही साइंटिस्ट करते रहे हैं और करते हैं। तो देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं एक, मान लीजिए PQ कंडक्टर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है। तो क्या आपने इमेजिन किया, एक कंडक्टर है PQ ऑफ लेंथ L एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी V इन ए मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, यानी कि V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहां पे आपने कंडक्टर मूव कर रहे V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में, और ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे मूव कर रहा है। तो यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए यहां पे इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, हमने क्रॉस से दिखाया है, और कंडक्टर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है PQ कंडक्टर। और मान लीजिए स्टूडेंट ये जो कंडक्टर मूव कर रहा है, ये यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल्स पे कर रहा है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, जिसका नाम हमने यहां पे देखो यू शेप का लिया MSRN। तो इस यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल पे आपका कंडक्टर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, लेकिन प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड नॉर्मल इसकी डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे कंडक्टर PQ स्लाइड करेगा स्टूडेंट्स राइट टू लेफ्ट, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आपका कंडक्टर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो जो ये एरिया है PQRS, ये एरिया डिक्रीज होता जाएगा, और इस एरिया के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स यहां अगर इसको अगर हम स्टडी करें कि मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे t = t पे RQ आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, और RQ उस टाइम पे x है, RQ कहिए या PS कहिए, ये डिस्टेंस x है जो लगातार डिक्रीज हो रही है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप विल बी गिवन बाय BA cos थीटा। और स्टूडेंट यहां पे B तो मैग्नेटिक फील्ड है, A क्या है, यहां पे ध्यान से देखिए, एरिया लेंथ ऑफ द कंडक्टर PQL है और इसकी डिस्टेंस है SR आर्म से x, तो एरिया हो गया L × x, और cos 0 एंगल जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 0 डिग्री। तो cos 0 1 होता है, आपको पता ही है। तो दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप एट दैट इंस्टेंट, इक्वेशन 1। तो यहां तक देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे इस लूप के अंदर से BLX फ्लक्स पास हो रहा है, क्लियर है, और क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो x के डिक्रीज होने से द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंड्यूस एन EMF अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ।
जब फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है लगातार, तो यहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आपके सर्किट में, एंड दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई बी, पढ़ा है हमने, फैराडे लॉ है। तो अब यहां पे वैल्यूज रख दीजिए, माइनस डी बाई डी टी फ्लक्स एट दैट इंस्टेंट बी एल एक्स, बी एल है और माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, एंड इन प्लेस ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन डी टी यू कैन राइट द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, इट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज वी इज इक्वल टू हम लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। और माइनस क्या बता रहा है स्टूडेंट, माइनस साइन यहां पे इंडिकेट कर रहा है बिकॉज वेलोसिटी वी इज इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी जो आपकी है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए यहां पे हमने माइनस लिया है, क्लियर है। तो ईएमएफ जो क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर पी क्यू, दैट विल बी गिवन बाय बी एल वी। तो इक्वेशन सेकेंड, तो ये जरा सा देखना, हमने स्टडी किया और हमने देखा कि अगर कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे, तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय E इज इक्वल टू बी एल वी, एंड द इंड्यूस्ड ई एम एफ सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड मोशनल ई एम एफ, मोशनल ई एम एफ बिकॉज इट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देखिए, बड़ा ईजी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्टूडेंट यहाँ पे पी क्यू कंडक्टर अभी हमने स्टडी किया था, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा इसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और अगर इसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ये क्लोज सर्किट में है, तो इसके थ्रू एक करंट भी पास होगी स्टूडेंट्स, फ्लो करेगी सर्किट में, और इस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पी क्यू वायर में देखने के लिए हम राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। वो किस तरह से, इसका स्टेटमेंट देखिए, द राइट हैंड इज हेल्ड विद द थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर एज शोन इन द फिगर। तो हम राइट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को स्टूडेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। द थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, थंब अगर पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, ध्यान से देखिए, थंब को अपने मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट किया। द फर्स्ट फिंगर अगर पॉइंट कर रही है स्टूडेंट्स फील्ड की डायरेक्शन, यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देन सेंट्रल फिंगर will indicate the direction of induced current, current की direction को पी क्यू वायर में आपकी central finger बताएगी। तो याद करने का तरीका है, ध्यान से देखिए इसको, जो ये induced current की direction है ये आपकी central finger बताएगी। तो M thumb का हम M लेते हैं याद करने के लिए इसे, और motion of conductor की direction में रखते हैं। F4 first finger, इसको हम F4 field की direction में रखते हैं। C4 central finger और C4 current, तो central finger will tell you the direction of induced current in the conductor PQ। तो यहाँ पे induced current की जो direction होगी students, ध्यान से देखिए, आपका जो right hand rule बता रहा है वो P से Q की direction में flow करेगी conductor के अंदर, और अगर हम बात करते हैं आउटर सर्किट की तो करंट जाएगी Q से R, फिर S और फिर P के डायरेक्शन में। तो बड़ा इजीली समझ आने वाली चीज है, यहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पी क्यू कंडक्टर के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है। समझ के देखिए, इट इज वेरी इजी। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो स्टडी किया इससे प्रीवियस टॉपिक, कि जब पी क्यू कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ वो क्यों होता है, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा पी क्यू कंडक्टर का, पी या क्यू, और वो क्यों होगा। तो उसकी स्टडी करने के लिए हम लॉरेंट्ज़ फोर्स की हेल्प लेंगे, देखते हैं।
तो फिगर ए में स्टूडेंट्स देखिए वही कंडक्टर हमारा पी क्यू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे लिया है इनवर्ट टू द नॉर्मल, सेम केस। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब ये पी क्यू कंडक्टर वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, वो भी इस कंडक्टर के साथ राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उस पर लोरेंज फोर्स लगेगा, तो लोरेंज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, एंड दैट विल बी गिवन बाय एफ वी क्यू वी बी साइन थीटा के हिसाब से। क्यू की जगह आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ई से हम डिनोट करते हैं, V वेलोसिटी कंडक्टर की जो वेलोसिटी होगी वही आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, और B और साइन 90, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है यानी कि चार्ज पार्टिकल का, वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। तो दिस विल बी द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब इसकी डायरेक्शन देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उसमें फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में इनवर्ड नॉर्मल आपसे दूर जाते हुए, सेंट्रल फिंगर को आप इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन आप मानेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट टू लेफ्ट जा रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेते हैं तो सेंट्रल फिंगर को हम लेफ्ट टू राइट लेंगे। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट टू लेफ्ट, लेकिन सेंट्रल फिंगर को इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पता करने के लिए जब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे सेंट्रल फिंगर को राइट में लेंगे, क्योंकि सेंट्रल फिंगर को हम पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन में लेते हैं। तो फर्स्ट फिंगर इनवर्ड नॉर्मल, सेंट्रल फिंगर का इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पर चार्ज की मोशन दिखाने के लिए, करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए लेफ्ट टू राइट, तो थंब हमारा ऊपर जाएगा। तो हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स, एफ बी हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। और जब इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे Q टू P डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन Q टू डायरेक्शन ऑफ एफ बी ऑन ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज फ्रॉम Q टू P, तो इससे रिजल्ट क्या होगा, Q पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, तो Q एंड आपका पॉजिटिव एंड हो जाएगा, और P पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी तो P जो आपका नेगेटिव एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां EMF इंड्यूस हो गया, Q पॉजिटिव एंड P नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पे PQ क्लोज्ड लूप में नहीं है, PQ को हमने अभी U शेप के वायर पे नहीं चलाया, खाली PQ को लेके जा रहे हैं, तो तब भी EMF इंड्यूस्ड होगा, Q एंड पॉजिटिव होगा और P एंड नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम कहें वर्क डन ऑन ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू मूव इट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज मूव इट फ्रॉम Q टू P, विल बी गिवन बाय W इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन टू यू कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, दिस फोर्स की जो फोर्स आप पे लगा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। तो आपके इलेक्ट्रॉन पे आपने वर्क किया ई वी बी एल, क्यू से पी तक मूव कराने में, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्यू से पी अगर डायरेक्शन में जाता है, क्यू से पी तक जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन हुआ ई वी बी एल। देन हम जानते हैं सिंस ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर क्यू और पी एंड के बीच में EMF कितना डेवलप होगा, तो दैट विल बी गिवन बाय वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। ई चार्ज पे आपने W वर्क किया, तो 1 पे कितना करेंगे, तो W अपॉन E, और W की वैल्यू आपने ई वी बी एल इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड बाय
टी, तो यू विल गेट बी एल वी. तो इट इज द वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ. तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होती है बी एल वी. तो यहां पे आपने लॉरेंज फोर्स से प्रूव कर दिया कि जो ईएमएफ डेवलप होगा क्यू और पी एंड के बीच, दैट विल बी इक्वल टू बी एल वी. तो एक तरह से यू कैन से विच इज इक्वल टू इट, दिस ईएमएफ इज इक्वल टू द मोशनल ईएमएफ. देयरफॉर मोशनल ईएमएफ कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग लॉरेंज फोर्स. तो स्टूडेंट यहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने मोशनल ईएमएफ को लॉरेंज फोर्स की हेल्प से वेरीफाई कर दिया. क्लियर है? और हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा. तो यहां पे क्यू एंड पॉजिटिव होगा और पी एंड नेगेटिव होगा, क्योंकि क्यू पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और पी पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा. तो अगर हम इसे क्लोज सर्किट में आप रखेंगे, जो यू शेप आपने कंडक्टिंग वायर रखा था, तो फिर करंट जाएगी क्यू टू पी आउटसाइड द इन सर्किट ऑफ द सोर्स. जो आपका पी क्यू आपका कंडक्टर है, तो एक तरह से ईएमएफ का सोर्स हो गया. तो अब इसमें जो करंट जाएगी वो आप देखिए ध्यान से, इसमें करंट जाएगी पी टू क्यू, जैसे सेल में जाती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन सेल के बाद आउटसाइड सर्किट में जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो वही सेम केस यहाँ पे, ध्यान से देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग. ये पूछा जाता है कि कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा नेगेटिव बनेगा. और अगर यहाँ पे क्लोज सर्किट में नहीं होगा आपका कंडक्टर, तब भी ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, लेकिन अगर क्लोज सर्किट में है तो फिर इंड्यूस करंट भी मिलेगी. क्लियर हो जाना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग. एनर्जी कंसिडरेशन क्वांटिटेटिव स्टडी. तो स्टूडेंट्स जो हम आज केस पढ़ रहे हैं, पी क्यू कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए. तो अगर यहाँ पे एनर्जी को हम कंसिडर करें, कितना एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया और कितना एनर्जी यहाँ पे आपके सिस्टम में यूज हुआ, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम मान के चले थे पहले ही कि रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू कंडक्टर, लेट इट इज इक्वल टू आर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ यू शेप्ड कंडक्टर या यू शेप्ड रेल कह सकते हो आप, दैट विल बी इक्वल टू नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल. तो ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. देन द करंट आई इन द लूप, इंड्यूस्ड करंट आई इन द लूप इज गिवन बाय इन द लूप इज गिवन बाय. तो सिंपल है, हमने करंट पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू होगा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. तो ईएमएफ हमें नॉलेज पता है, ईएमएफ को हमने स्टडी किया, ईएमएफ होगा यहाँ पे बीएलवी के बराबर. तो करंट इंड्यूस्ड होगी लूप में, दैट विल बी गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर. और ई की वैल्यू आपको पता है बीएलवी, ई इज इक्वल टू बीएलवी होता है मोशनल ईएमएफ, हमने स्टडी किया है आज. इक्वेशन आपकी बन गई वन. तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू, हमने यूज किया यहाँ पे बीएलवी मोशनल ईएमएफ. देन फोर्स, अब ये करंट अगर आपके कंडक्टर से मूव कर रही है और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है स्टूडेंट्स, तो कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा. करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो वो फोर्स ऑन आर पी क्यू मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट विल बी गिवन बाय आई एल बी साइन थीटा. और साइन 90 है, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन 90, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन ये एंगल है आई एल क्रॉस बी, यानी कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में वो जो एंगल होगा वो 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हुई, तो फोर्स हो गया आई एल बी. और आई की वैल्यू आप ऊपर से रखिए इक्वेशन वन से, दैट इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी. तो यू विल गेट द फोर्स ऑन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी गिवन बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर. तो इक्वेशन टू यू कैन राइट.
क्लियर है। एज द फो आर्म पी क्यू इज बींग पुश्ड, क्योंकि आर्म पी क्यू को हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से पुश कर रहे हैं, तो जो ये फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखें स्टूडेंट्स, तो करंट रे की डायरेक्शन होगी पी क्यू आर्म में, अभी हमने स्टडी किया था वो होगी पी टू क्यू। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड नॉर्मल, तो जब हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करेंगे तो इस पर एक जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स जो हमने अभी स्टडी किया, जो इस पे लगेगा इसमें करंट फ्लो होने की वजह से, दैट विल बी गिवन बाय इक्वेशन सेकेंड, एंड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की लेफ्ट टू राइट। तो अगर हमें इस कंडक्टर को राइट टू लेफ्ट लगातार मूव कराना है, तो हम इसी एफ बी फोर्स के बराबर इक्वल फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट लगा के रखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगेगा इससे मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में। एज द आर्म इज बींग पुश्ड विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी द पावर रिक्वायर्ड टू डू दिस, तो द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर विद दिस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, एंड दैट विल बी इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ वो फोर्स होगा जो एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करेगा इंटू वी, और एफ की वैल्यू हमने अभी देखा कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कंडक्टर को मूव करा है कराना है तो एफ बी के इक्वल और अपोजिट होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई करेगा दैट विल बी इक्वल टू एफ बी, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन टू वी। तो द पावर डिलीवर्ड बाई एक्सटर्नल एजेंट विल बी गिवन बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये समझ आ जाना चाहिए इतनी पावर आपका एक्सटर्नल एजेंट इस कंडक्टर को वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे मूव कराने के लिए डिलीवर करेगा। द एक्सटर्नल एजेंट दैट डज दिस वर्क दैट इज मैकेनिकल, वेयर डज दिस एनर्जी गो, तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया स्टूडेंट्स इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए, यानी कि जो पावर इसको डिलीवर किया वो कहाँ जा रही है, वेयर डज दिस पावर गो दिस एनर्जी गो, तो द आंसर इज इट इज डिसिपेटेड एज जूल हीट विच इज गिवन बाई, तो पावर जब करंट फ्लो करेगी कंडक्टर से तो उसमें जूल हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इज गिवन बाई पी जूल हीट यू कैन से, और दैट विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर आर। और हमें पता है कि जब कंडक्टर मूव कर रहा है ई एम एफ वी एल वी है, तो इसमें करंट होगी बी एल वी अपॉन आर, तो बी एल वी अपॉन आर करंट की वैल्यू, तो आई स्क्वायर है तो बी एल वी अपॉन आर स्क्वायर हो गया इंटू आर, क्लियर है। तो यू विल गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में वो पावर हुई जो एक्सटर्नल एजेंट डिलीवर कर रहे, और इक्वेशन थर्ड में, और इक्वेशन फोर में पावर है जो जूल हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से पावर डिलीवर्ड by external agent will be equal to power dissipated यानी कि जूल हीट की फॉर्म में आपकी पावर डिसिपेट हो जाएगी। तो जितनी पावर डिलीवर हुई उतनी डिसिपेट हो रही है, तो इट मीन्स इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इट मीन्स हियर एनर्जी इज कंजर्व्ड। दिस मैकेनिकल एनर्जी विच वॉज नीडेड टू मूव द आर्म पी क्यू इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज द इंड्यूस्ड ई एम एफ एंड देन टू थर्मल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी कंसिडरेशन की, तो हम कह सकते हैं कि फैराडे लॉज कंसिस्टेंट विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट
फ्रॉम फैराडेज लॉ दैट ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट इज इक्वल टू होता है डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इक्वेशन वन फैराडेज लॉ, और हम ये भी जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट विल बी इक्वल टू आई आर, आई इंड्यूस करंट है, आर रेजिस्टेंस है सर्किट का, और आई की जगह आप लिख सकते हो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन टाइम डेल्टा टी इन टू आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट डेल्टा क्यू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन डेल्टा टी टाइम विल बी गिवन बाय द चेंज इन फ्लक्स इन द सर्किट इन डेल्टा टी टाइम डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये इक्वेशन भी बन गई यहाँ पे। इट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। नेक्स्ट एक रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड है। देखिए कैसे। ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला एंड द डीप एंगल इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वी वेलोसिटी से आपका एरोप्लेन जा रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है 1800 किलोमीटर मीटर पर आवर, इसको आपको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए। तो 1800 डिवाइड बाय 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड, यू विल गेट 500 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गई आपके एरोप्लेन की। एल लेंथ दिया है विंग स्पैन, और बी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट को आपका एरोप्लेन की विंग्स कट करेंगी जब ये वेस्ट के डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो और यहाँ पे एंगल दिया है, ये एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मोशनल ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग विल बी गिवन बाय बीएलवी। बीएलवी का मतलब यहाँ पे अब मैं बात करूं, वी वेलोसिटी है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा। बी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि बी साइन डेल्टा इंटू एल विंग स्पैन की लेंथ, और वी द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। तो बी साइन डेल्टा, जिसको हम वी भी कह सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इसके निकाल लीजिए। बी की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला साइन 30 डिग्री इंटू एल 25 मीटर और वी 500 मीटर पर सेकेंड। तो जब सारी ऐसा यूनिट लेंगे तो आंसर आपका ऐसा यूनिट में आएगा, दैट इज इन वोल्ट। तो यू विल कैलकुलेट इट, इट विल बी, यू विल फाइंड इट 3.125 वोल्ट। तो सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखिए। आपका एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट की यहाँ पे वैल्यू आएगी, जहाँ पे आप फॉर्मूले में लिखते हो बीएलवी, तो बी साइन डेल्टा। क्लियर है। और L लेंथ है विंग स्पैन की, और V उसकी वेलोसिटी। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। और आज हमने जो टॉपिक्स किए, इनको जरा ध्यान से दोबारा वीडियो देखना। मोशनल ईएमएफ पढ़ा हमने, मोशन की वजह से अगर ईएमएफ डेवलप होता है अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। फिर हमने लोरेंज फोर्स के बेस पे उसको वेरीफाई भी किया, और P और Q में से कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये पूछा जाता है कई बार। जो हमने लोरेंज फोर्स के बेस पे बताया था, Q पॉजिटिव रहेगा, P नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे। वेरी जी वेरी इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।